नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपका अपना दोस्त अनीस। और देख सकते हैं दोस्तों आप कितना देखिए खूबसूरत से फ्लावर खिलने लगे हैं। अब आ गया है दोस्तों बसंत का मौसम, तो अब फ्लावर तो खिलेंगे ही खिलेंगे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर सारे खिलेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप ये जो है मेरा पहले सीड बेड था, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों कुछ फ्लावर्स लगे रह गए। पेटूनिया इसमें देखिए काफ़ी सारे उग करके अपने आप जमाए हैं, और इनकी दोस्तों बंदर ने ऊपर ऊपर की पूरी पिंचिंग खुद कर दी है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, चलिए फ्लावर थोड़ा लेट से आएंगे। बहरहाल फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं, और इसमें देखिए कुछ दोस्तों ये कॉस्मोस उगा हैं, ऑटोमेटिक उगा हैं, तो हमने कहा चलो लगे रहो भाई, फ्लावर करते रहो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है आपका पुदीना का पौधा। आप देख सकते हो दोस्तों पुदीना है ये, और ये दोस्तों सीजन सबसे बेस्ट है पुदीना को ग्रो करने के लिए, क्योंकि अब समर आ रही हैं, तो समर में तो दोस्तों ये पुदीना मतलब राजा हो जाएगा। तो जैसे अभी तक लोग धनिया ढूंढ रहे थे, अब दोस्तों लोग पुदीना ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि मैं ये रूट्स लेकर के आया था, तो इसमें से देखिए दोस्तों हमको छोटी छोटी कुछ कटिंग्स बना लेनी हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों ये एक कटिंग है, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से इसको हमें कट कर देना है, ठीक है ना। एक ये कटिंग हो गई, एक ये कटिंग हो गई, और इसमें भी देखिए दोस्तों इसको भी हम जो है दो तीन जगह से कट कर देंगे। इसको तो सबसे पहले हम यहाँ से कट किए दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों एक रूट आपकी ये हो गई और एक रूट ये हो गई। तो ये दोस्तों इधर साइड तो ये पूरी टूटी हुई सड़ी हुई है, इधर साइड ये सड़ी हुई है। तो ये एक दो तीन चार, चार देखिए दोस्तों हमारे पास ये रूट्स बन गई हैं। तो इनको हम ग्रो करेंगे। तो इनके ग्रो करने के लिए दोस्तों हम इनको इस कॉर्नर में सोच रहे थे कि ग्रो करेंगे, तो हमारी मिट्टी तो दोस्तों भुरभुरी है ही है, ये देखिए। तो इस पे ही हम सोच रहे थे कि लगा दिया जाए पुदीना को। और पुदीना दोस्तों इतना ज़्यादा फैलता है कि बहुत ज़्यादा फैलेगा, तो हमें क्या करना है कि सिंपल सा देखिए, आपको जो ये आपकी रूट्स थी, तो इसको हल्का सा इसके थोड़ा सा नीचे साइड, ये हल्का दबी रहे हल्का उठी रहे, और कुछ ऐसे टाइप का आपको सिस्टम बना देना है। ये देखिए दोस्तों इसको भी आपको सेम ऐसे ही लगाना है, सिंपल सा ऐसे रख करके, और आप हल्का हल्का सा इसके ऊपर से बस सॉइल डाल दीजिए। ये देखिए हल्का हल्का सा सॉइल डाल दीजिए और ये आपका दोस्तों लग जाएगा। इसके बाद है देखिए दोस्तों, जैसे आपकी ये कटिंग्स हैं, तो इन कटिंग्स को दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि थोड़ी दूर में यहाँ पर लगा देता हूँ। तो एक कटिंग्स को देखिए दोस्तों हमने ऐसे दबा दिया, और ये दोस्तों कटिंग लेकर के मैंने यहाँ पर कॉर्नर में दबा देता हूँ। ये दोस्तों वायर कट करने वाला है, और मुझे मेरा कटर अभी मिल नहीं रहा था, मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने कहा चलो इसी को ले चलते हैं, कौन सा बहुत कुछ कट करना है। तो पुदीना तो दोस्तों हाथ से भी कट हो जाता है, तो इस टाइम पे दोस्तों आप मार्केट में कहीं पर भी जाते हो तो आपको दिख रहा है, तो थोड़ा सा ला करके आप लगा सकते हो। इसके दोस्तों हैंगिंग्स भी बहुत अच्छी बनती हैं, आप चाहो तो हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा, ग्राउंड में लगा सकते हो, किसी पॉट में आप लगा दीजिए तो वहाँ पर भी ये ग्रो हो जाएंगी। तो इस टाइम पर दोस्तों आप पुदीना ज़रूर से ज़रूर लगाइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये एक टोमेटो है, जो कि देखिए सड़ गया है इधर से कॉर्नर से, तो इसमें देखिए कुछ बीज थे, तो मैंने सोचा चलो इस बीज को ले चलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए सिंपल ऐसे डाल देना है, ये देखिए आपने डाला, तो ये देखिए दोस्तों ये सारे बीज गिर गए। तो जब आप इसमें वाटिंग करेंगे तो दोस्तों ये मिल जाएगा पूरा, और फिर बाद में दोस्तों ये पूरी आराम से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो होप दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय।